मन वैसे मैं मेरा अपना एक सवाल है आपसे कि माशाल्लाह आप बड़े फिट भी लगते हो, यू नो आप खेल भी रहे थे पिछले दिनों तक, तो अब आपने क्या डिसाइड कर लिया है कि यू नो ठीक है यार, अब मैं आई एम गोना स्टार्ट अ सेकंड इनिंग ऑफ माय लाइफ इधर ब्रॉडकास्टर और या समथिंग लाइक दैट। और हमारे एक वो है ये भी पूछ रहे हैं कि सलमान भाई, डू यू विश सम टाइम दैट यू आर स्टिल प्लेइंग क्रिकेट, अभी भी कोई इरादा है या बस अब आप ब्रॉडकास्टिंग वगैरह में ज्यादा आ गए हो आप? नहीं, आई डोंट विश के आई वॉज स्टिल प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा और जो है, मैंने 2 साल पहले से ये फैसला कर लिया था कि नॉट एनी मोर। मैं घर से निकला था सीजन खेलने, अच्छा तो हमारे जो कोच थे सेंट्रल पंजाब के, उन्होंने फॉर सम रीजन ही सेड के आई वॉन्ट यू टू कैप्टन लेवल 2 टीम ऑफ 2020। तो मैंने कहा जी क्यों, मैं तो लेवल 1 में टॉप स्कोरर्स में से हूँ, तो वाई शुड आई गो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो आप उधर अच्छा खेलेंगे तो आप बुला लेंगे। तो वो उनकी बातों से मुझे सेंस हुआ कि सम सॉर्ट ऑफ यू नो माइंडसेट हैज टेकन प्लेस, जहां पर जो है ना, एक डेवलप कर लेते हैं आप थॉट प्रोसेस के किसको हमने खेलने देना और किसको हमने तंग करना है। तो बिफोर एनीबडी एल्स वुड से टू मी समथिंग लाइक दैट, तो मैंने उनको कहा कि नहीं, आपकी मर्जी से तो मैं नहीं खेलूंगा, बिकॉज जो मैं लास्ट 1 डे खेला हूँ डोमेस्टिक में, आई एम द बेस्ट प्लेयर। जो लास्ट 4 डे खेला है, 9 मैचों में 900 रन किए हैं। जो लास्ट T20 खेला है, उसमें भी मैं टॉप 2-3 में हूँ। सो आई वुडंट अलाउ समबडी जो किसी तरह कोच लग गया और वो आके मुझे डिक्टेट करे कि मैंने क्या करना है। और वो हालात उनके, कई लोगों के ऐसे हैं कि वो जैसे बिल्कुल म्यूजिकल चेयर्स की तरह, कभी यहाँ के कोच कभी वहाँ के कोच, ना यहाँ की टीम तैयार होती ना वहाँ की टीम उनसे तैयार होती है, बस किसी ना किसी कॉन्टेक्ट से लोग आ जाते हैं। सो फॉर मी माई माइंड सेट सेज दैट नेवर अलाउ पीपल लाइक देम टू टेल मी वॉट आई हैव टू डू। मैंने जितनी क्रिकेट खेलनी थी इंजॉय करके, परफॉर्म करके, मजे से खेली है, एंड इट शुड बी माई कॉल टू से गुड बाय और शुड आई प्ले। एक इसी पे राशर, एक सवाल मेरा कंटिन्यू उस पे कि हम जी लोकल हो रहा जी है, सबसे बड़ा इवेंट है पाकिस्तान का, तुम्हारे ख्याल में कि इसी के साथ अभी अंडर 16 भी हो रही है, अंडर 17 भी हो रही है, ये सारे मैचेस और ये सारे सीजन एक साथ चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर PSL है तो ताकि यंग लोग हैं उनको भी देखने का मौका मिले, उनको कुछ सीखने का मौका मिले, पैरेलल पे इस तरह की चीजें चलती रहनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए? सलमान जी सलमान, आपसे सवाल है। आई गेस दे हैव डिजाइन दिस सीजन इन अ वे कि जहां पर इट डज नॉट स्टॉप 12 मंथ्स, वो कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। सो दे आर पुटिंग अप एन एफर्ट के जहां पर वो कह सकें कि डिपार्टमेंट बंद हुए हैं लेकिन हम देखो कितनी क्रिकेट करा रहे हैं, ठीक है, और विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, क्रिकेट करा रहे हैं और उसमें कुछ जाहिर है, कुछ ऑपरेशनल हैजर्ड्स भी हैं, कुछ तो वो करा लेंगे, कुछ चीज़ें वो करेक्शन में चली जाएंगी, अगले साल और बेहतर हो जाएंगी। सो दे आर पुटिंग अप एन एफर्ट। बट पाकिस्तान का मसला ये नहीं है कि अब आपकी क्लब क्रिकेट ख़त्म इसलिए हो गई कि जो लोग डिपार्टमेंट के पे रोल्स पे थे, उनकी जॉब्स पे थे, वो सीजन के बाद 8-9 महीने क्रिकेट खेलते थे क्लब्स में आके, क्योंकि डिपार्टमेंट उन्हें पैसा देता था और वो एज अ होमवर्क वो सारा साल क्रिकेट खेलते थे, और उनके एक्सपीरियंस से आपके यंगर जनरेशन क्लब में बेनिफिट करती थी जो उनके साथ क्रिकेट खेलती थी। नाउ देर इज एज ग्रुप क्रिकेट, देर आर नो प्रोफेशनल्स प्लेइंग क्लब क्रिकेट, क्योंकि वो सारे अपने कामों पे निकल गए। और जो PCB के हैं वो तो टोटल 180 लोग हैं, वो कहाँ कहाँ खेलेंगे जाके, उसमें ही पाकिस्तान के भी प्लेयर हैं, उसमें पाकिस्तान ए भी चली जाती है, एक अंडर 19 भी उसी में चली जाती है, 3 टीमें चली जाएं तो वो वैसे ही टोटल 80-90 लोग रह जाते हैं, तो वो कहाँ कहाँ जाएंगे। और जो प्रोफेशनल्स होते थे वो कामों पे लग गए हैं। अब ये है कि अंडर 16 के बच्चे अंडर 16 में खेल रहे हैं, अंडर 19 वाले अंडर 19 में खेल रहे हैं, तो वो जो एक ऑन द पिच एक्सपीरियंस और सीनियर के साथ आपकी जो ग्रोइंग एज में एक आपकी ऑन द गो जो टीचिंग थी वो खत्म हो गई।